ओम साई राम। मैं मनोज तम्ब्याल, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी मास्टर और रीडर, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था ब्रह्मस्थान के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक कंपास के बारे में। मैग्नेटिक कंपास, इसका इम्पोर्टेंस क्या है वास्तुशास्त्र में, आइए देखते हैं। दोस्तों, मैग्नेटिक कंपास ये हमें इंस्ट्रूमेंट्स जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे वास्तु एनालिसिस में। फर्स्ट स्टेप्स डायरेक्शन अगर देखें तो हम इसका यूज़ करते हैं मैग्नेटिक कंपास का। अब कैसे यूज़ करना है वो बताता हूँ। उससे पहले मैग्नेटिक कंपास के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर आप फोटो देखेंगे मैग्नेटिक कंपास के बाद, उसमें आपको एक नीडल दिखाई देगा, एक नीडल जिसमें रेड साइड उत्तर के भाग पर रेड कलर में होगा। यह हमेशा उत्तर साइन दर्शाता है, यानी कि डायरेक्शन दर्शाता है। आप कहाँ पर भी रखेंगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शंस ही प्लेस करेगा, यानी कि बताएगा। अब इसे यूज़ कैसे करना है, आप कोई भी प्लॉट पे जाए, कोई भी फ्लैट पे जाए परचेस करने से पहले, या कोई डायरेक्शंस आपको देखना है, तो आप सिंपली एक कंपास लें, मैग्नेटिक कंपास। वहाँ पर आप कोई भी प्लॉट में जाइए, सेंटर ऑफ द प्लॉट, आप एक अंदाज़ा लगाइए कि आपका प्लॉट कहाँ पर आता है, उसके बीचों बीच आप जाइए, खड़े रहिए वहाँ पर, और वहाँ से आप देख सकते हैं आपके कंपास के थ्रू से। उसमें आप देखेंगे तो आपका जो उत्तर भाग है, उत्तर जो है नॉर्थ एक्सिस, वो आपको बताएगा कि ये जगह पे नॉर्थ एक्सिस है। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। एक घर में हम देखते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्शंस तभी बताता है जब ये नॉर्थ एक्सिस पे है, नॉर्थ एक्सिस, साउथ एक्सिस। उसी में ही आपको पता चल जाता है कि आपका वास्तु का एंट्रेंस कौन सा है, कहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सिस जो है, उत्तर भाग है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यानी कि क्लॉकवाइज देखते हुए 360 डिग्री होता है। तो आप उत्तर भाग में हैं तो 0 डिग्री है, तो आप कहाँ पर भी देखेंगे, आजकल मोबाइल पे भी, एंड्रॉयड मोबाइल और आईफोन मोबाइल पे भी इसकी फैसिलिटी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये इसमें दर्शाता है कि आपका डायरेक्शंस कौन सा है, उत्तर भाग है, ईस्ट भाग है, यानी कि 4 मुख्य डायरेक्शन जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए थे वो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ इसी में आपको जो सब डायरेक्शंस हैं वो भी दिखा जाएगा। अब डिग्री वाइज अगर देखें तो 45 डिग्री ये नॉर्थ ईशान्य कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में आता है। 90 डिग्री ये आपको मिलता है ईस्ट पूर्व साइड। उसी जगह पर अग्निकोण 135 डिग्री पे अग्निकोण का डायरेक्शंस आता है। साथ ही दक्षिण दिशा पे 180 डिग्री और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 225 डिग्री ये दर्शाते हैं। साथ ही साथ पश्चिम दिशा पर 270 डिग्री और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 315 डिग्री ये फिक्स है। साथ ही जैसे हम डायरेक्शंस जो मैंने बताए हैं आपको, 16 डायरेक्शंस वो मैं आने वाले वीडियो पर बताऊंगा कि वो कैसे देखते हैं या कैसे उसको एनालाइज किया जाता है। तो देखिए, ये नॉर्मल पर्सन जो है, ये कोई भी वास्तु देखना है या कोई घर देखना है तो ये नॉर्मली आप मैग्नेटिक कंपास से देख सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट से
राय लीजिए, उनको देखने दीजिए, क्योंकि उनका देखना एक नॉर्मल पर्सन का देखना काफ़ी फ़र्क होता है। बट हाँ, एज़ पर नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे देखा जाता है। दूसरी बात, अगर फ्लैट में है, कोई भी फ्लैट में आप देखते हैं, परचेस करने जाते हैं, फ्लैट रेडीमेड फ्लैट है या रीसेल फ्लैट है, तो वहाँ पर हम कैसे देखते हैं मैग्नेटिक कंपास को? सबसे पहले आप उस घर के बीचों बीच जाइए। आपके घर में भी एट प्रेजेंट जो आपका घर है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं उस घर का। आप अगर आपका लेआउट है या आप मेजरमेंट करके उसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बीचों बीच डायगोनली दोनों जो कोना है वो कोना को आप क्रॉस करिए और बीच में सेंटर पॉइंट आ जाता है जो कि इस फोटो में दिखाई देगा आपको। वहाँ पर आप खड़े रहिए उसी चार्ट के साथ, लेआउट के साथ, और उस वहाँ पर आप डायरेक्शन देख सकते हैं। तो आपका एग्जैक्टली कहाँ पर आपका एंट्रेंस आता है वो उसका डायरेक्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये पहले बात। दूसरी, आप घर के एंट्रेंस में आइए, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फेसिंग करते हुए। वहाँ पर आप मैग्नेटिक कंपास को रखें तो वहाँ पर आपको डायरेक्शन बता जाएगा, यानी कि नॉर्थ जो नीडल है वो नॉर्थ की तरफ ही आएगा, जहाँ पर भी आपका उत्तर स्थान है, और आपका फेसिंग जो आता है वो एग्जैक्टली आपका मेन एंट्रेंस है। तीसरा, आपके हर एक डायरेक्शंस में, जैसे कि आपका किचन कहाँ पर है तो आप किचन में वहाँ पर जाइए, मैग्नेटिक कंपास को वहाँ पर रखे। किचन यानी जहाँ पर आपका गैस स्टोव है, यानी कि चूल्हा जो रसोई का जो मेन है, पूरा किचन नहीं बोलते हम, गैस का चूल्हा देखते हैं कि कहाँ पर, वो आपका किचन है, उसके पास रखिए आप। आपको बताया जाएगा कि आपका डायरेक्शन कौन सा है वहाँ पर। अब हमने पहले पार्ट पे देखे थे तो उसमें बताया था अग्नि कोण, मोस्टली किचन जो है वो अग्नि कोण में ही आया जाता है। अगर ये नहीं होता है तो उस डायरेक्शन के हिसाब से उस जहाँ पर आपका किचन है वहाँ का अग्नि कोण पे डायरेक्शंस देख के वहाँ पर गैस स्टोव को प्लेस कर किया जाता है। ये एक नॉर्मल ही एनालिसिस है और उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, यानी कि बड़ी रेमेडीज कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम नॉर्मली इससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया मैग्नेटिक कंपास और इसके बारे में। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो, छोटी सी वीडियो, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आपके लेआउट्स या कुंडली के बारे में आपको अगर कोई प्रेडिक्शन देख करना है या देखना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए। इसके लिए हमने एक छोटा सा शुल्क रखा है, एक छोटी सी फीस है, वो आप पे कर सकते हैं और आपको आपका डिटेल्स मिल जाएगा। तो सभी दोस्तों, कोरोना का माहौल है सब जगह पर, तो प्लीज़ आप आपका, आपके परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, ओम सलाम।